गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वेलकम बैक टू 88 रेसिंग। आप सोच रहे होगे व्हाई डू यू सी मी इन दिस अवतार, इट्स बिकॉज मैं अभी एक बाइक का वॉशिंग करने जा रहा हूँ एंड द बाइक इज दिस इज द बेनेली 600 आई। बहुत दिन से अंदर खड़ी थी एंड फाइनली आई एम लेटिंग गो ऑफ दिस। अभी मेरे एक फ्रेंड है दिल्ली से, वो बाइक ले रहे हैं फॉर हिज डीलरशिप एंड बाइक उठाने बंदा आ रहा है कल या परसों, तो उससे पहले आई हैव टू वॉश द बाइक नाइसली, मेक इट क्लीन एंड एक टेस्ट राइड भी लेके आते हैं इसकी। तो चलिए फटाफट बाइक क्लीन करते हैं। So the bike has been washed and I've put her out in the sun to dry up a little bit and then I'll check the tire pressure and take her for a short spin. Look how beautiful she looks now after the wash. And this was the last generation Benelli 600i. It was sold in 2019 by Benelli India. What we are also doing is taking this KTM, my 390 new gen, to make the pollution of the bike, because without pollution iska transfer nahi hoega. Agar transfer mere naam pe nahi hua to main KTM wala jo cup hai usme compete nahi kar paunga. Fir bhi main thoda soch raha hu karu ki na karu, kyunki recently ek mere sath bahut bada scam ho gaya, wo bhi dheere dheere bataunga, wo Castrol Power One wala scam. Anyway usme nahi jaate hain, isko jaake abhi pollution banate hain iska, ट्रांसफर अप्लाई करते हैं और इसको जरा टेस्ट राइड करके आते हैं। वेलकम बैक एवरीवन, फाइनली टू अ पीओवी। बहुत टाइम के बाद पीओवी ले रहे हैं एंड आज मैं बैठा हूँ बेनेली 600i में, जो कि इंडिया का सबसे ज़्यादा बजट फ्रेंडली सुपर बाइक है। इट्स लाइक अ फर्स्ट स्टेप टू सुपर बाइकिंग और आज हम कर रहे हैं इसका टेस्ट राइड। और साथ साथ मेरे पीछे आकाश है, वो 390 लेके आ रहा है मेरी, जिसको हम बनाने जा रहे हैं पोल्यूशन। तो अभी हम चढ़ गए हाईवे, अब ये टेस्ट राइड ही है तो हम ज़्यादा भगा भी नहीं सकते, लेकिन बेनेली बाइक ही ऐसी है कि वो भगती है थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा भी नहीं भगती, लेकिन उसके स्पीड पे मत जाऊँ क्योंकि कंट्रोल जो है उसका थोड़ा सा कम है, एज इन ब्रेकिंग पावर, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही चलाना होता है बाइक। और ये देखिए कितना बड़ा सा ब्रिज बनाया हुआ है इन्होंने। हम यहाँ पे कहीं फोटो खिंचाएंगे एक। यही ना खिंचा ले, आकाश बहुत स्लो आ रहा है, यहाँ पे बाइक रोक के फोटो खिंचा लेते हैं, एक थंबनेल बढ़िया बन जाएगा। एक बढ़िया सा सोना सा फोटो ले लेते हैं। आकाश आ रहा है पीछे पीछे, उस बाइक का तो हेडलाइट वगैरह भी नहीं है। ये बाइक स्लो टूरिंग के लिए बहुत बढ़िया लगेगा मेरे को लग रहा है, और हाईवे पे इसका सस्पेंशन जो है बहुत स्मूथ है, तो हाईवे पे क्या बहुत मज़ा आता है। ये बम्प्स ना मेरे 10R पे ये बहुत उछलती है भाई, या कोई भी ऐसा जो थोड़ा सा ऐसा बाइक है जिसमें हार्ड सस्पेंशन हो बहुत उछलती है, लेकिन ये सॉफ्ट सस्पेंशन वाली बाइक है तो बहुत सही चलती है। लेकिन बेशक ये मेरा लास्ट राइड है इस बाइक पर, इसके बाद ये बाइक जो है हमारे हाथ से जाने वाली है, हम इसको भेजने वाले हैं दिल्ली। ये सब ओपन रोड्स देखते हुए मन तो करता है बहुत भगाए, लेकिन कितना रिस्की आपको पता है। रिसेंटली यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था और बहुत अच्छे खासे एक क्रिकेटर की मौत हो गई, गलती बाइकर की नहीं थी लेकिन
इन एनी केस जॉन बाइकर को ही देना पड़ता है। टाइम एंड अगेन मैं सबको बोलता हूँ प्लीज़ सेफ्टी गियर पहनिए, प्लीज़ एटलीस्ट हेलमेट, बाकी कुछ ना हो ना हेलमेट पहनी है एटलीस्ट अच्छा वाला, क्योंकि कहीं से भी कोई भी बंदा आ जाता है ना, कुछ भी होता है तो हमेशा चोट बाइकर को ही पहुंचती है। अब उनके केस में क्या हुआ था, कोई बंदा बीच से क्रॉस कर लिया था तो उस बंदे को बचाने के चक्कर में इसने जो है कट मार दिया और जाके किसी ट्रक के पीछे टच हो गया इनको और स्पॉट में ही डेड हो गया है। इस वजह से बहुत डर लगता है खुले रोड्स पे फास्ट चलाना। अभी मैं ट्रैक पे ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, बहुत ही कंफर्टेबल है, लेकिन यू टर्न मारने में हाथी है, जहाज है पूरा। तो राइड रहा अच्छा, वेरी स्मूथ सो फार। ये आते आते हमने कावासाकी का डीलरशिप दी, ओहो कावासाकी बाय बाय मेरी जान, कल मिलते हैं। तो ये रहा डीलरशिप, वैसे आप लोगों ने आना होगा तो प्लीज यहाँ पे आ जाइए, वी हैव गॉट गुड लाइनअप्स, वी आर सेलिंग गुड यूनिट्स। तो अभी फिलहाल लाइनअप थोड़ा सा फीका है, लेकिन इन द नेक्स्ट 10 to 15 days आ रहा है हमारा बाइक्स। और आकाश कहाँ गया, ये पॉलीथीन लेके आ रहा है, इसका स्टैंड के नीचे देखो पॉलीथीन लगा हुआ है। तो अभी तक तो सब कुछ सही है, अभी मैं जा रहा हूँ पोल्यूशन बनवाने KTM का, वो प्रोसेस आपको नहीं दिखाते हैं, आप बोर हो जाओगे क्योंकि सबने पोल्यूशन बनाया हुआ है। तो इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो इफ़ यू लाइक व्हाट यू सी, इफ़ यू वांट मोर कंटेंट लाइक दिस डे टू डे व्हाट एवर हैपेंस, बिग बाइक्स रिलेटेड कंटेंट, राइडिंग के रिलेटेड गुड एंड बैड, व्हाट एवर यू वांट टू, तो प्लीज़ लॉग इन टू दिस चैनल, शेयर दिस कंटेंट अमंग योर फ्रेंड्स की मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले, एंड कीप वॉचिंग 88 रेसिंग। विद दैट सेट, दिस इज शशांक शर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम 88 रेसिंग, गुड बाय गाइज, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट ब्लॉग।